पटवारी भर्ती में पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा मौजूद रहे। इस दौरान सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हो या फिर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, सभी में युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि केवल दिखावे के लिए गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कुछ दिन बाद आरोपी बेल पर छूट जा रहे हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि लोक सेवा आयोग के गोपन विभाग के जिस अधिकारी ने पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया है, उसी के द्वारा उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के भी क्वेश्चन बैंक बनाए गए हैं, लिहाजा पीसीएस परीक्षा भी संदेह के घेरे में है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि सरकार को युवाओं की मांग पर ऐसी सभी संदिग्ध परीक्षाओं को स्थगित करना चाहिए और दोबारा से परीक्षाएं करवानी चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि युवाओं की जवानी बर्बाद करने वाली सरकार को एक बल भी सत्ता में टिके रहने का कोई अधिकार नहीं है। युवा मुख्यमंत्री कहने वाले पुष्कर सिंह धामी को सबसे पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। एक के बाद एक जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा उत्तराखंड में, उससे ऐसा लगता है कि सरकार नाम की उत्तराखंड में चीज ही नहीं रहेगी। इतनी अराजकता, लोगों को कानून का बिल्कुल भी भय न होना, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, दिखाने को कार्रवाई भी हो रही है, SIT जाँच भी हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर वही घटना हो रही। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में आज अराजकता का ऐसा माहौल हो गया है कि लोगों को कानून का कोई न भर है, न भय है, न कोई डर है, और धड़ल्ले से लोग जो है जो गलत काम करना है कर रहे हैं। तो इसलिए आज देख रहे हैं आप ये सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर एक आह्वान पे कल शाम यहाँ पर धरने बैठने की बात हुई और लोग खुद बखुद यहाँ पर धरना स्थल पर आ रहे हैं। तो आज ये जो चुनी हुई सरकार थी, ये पूरा विश्वास खो चुकी है, इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए आज हम यहाँ पर उपवास रख के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, विधायक जी हमारे साथ हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, और हम पूरे प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इन बेरोजगारों के साथ इस तरीके से आप खिलवाड़ मत कीजिए। एक के बाद एक तमाम जो हमारे भर्ती घोटाले हो रहे हैं, उससे मतलब जनता में राज्य के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास खो चुका है। जिस प्रकार से भर्ती भ्रष्टाचार माफिया प्रदेश की चयन व्यवस्थाओं पे हावी है, बिना राजनीतिक संरक्षण के मैं नहीं मान सकता हूँ, कोई नहीं मान सकता है कि इतनी भारी पेपर लीक की व्यवस्था यहाँ चल रही है। ये पेपर लीक प्रदेश के नाम से जाने जा चुका है, घोटाला प्रदेश के नाम से अब शुमारी पा रहा है उत्तराखंड, जो देवभूमि कहलाती है। तो इसलिए इससे बड़े शर्म की क्या बात, ऊपर से जोशीमठ में आई हुई आपदा जिस पर सरकार की निरंकुशता साफ जाहिर हो चुकी है, साफ प्रतीत करती है कि ना कहीं विकास है ना किसी का साथ है। और सबसे युवा प्रदेश उत्तराखंड, पर कैपिटा जो इस देश में, वहाँ जो युवाओं के साथ छल हो रहा है, अवश्य उसके लिए कांग्रेस मुखर होकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को, निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। के भर्ती घोटालों में प्रदेश की सरकार साफ तौर से संलिप्त दिखाई दे रही है। लोक सेवा आयोग जैसे सस्ता, जो भरोसे और विश्वास का प्रतीक रहा है, लेकिन वहाँ भी पटवारी परीक्षा में पेपर लीक हुए और गिरफ्तारी हुई है, और वही मुख्य आरोपी जो पटवारी पेपर मामले में जो मुख्य अभियुक्त है, वही जो परीक्षाएं होनी थी, होने जा रही हैं, स्पीशियस मेंस की, वो तत्कालीन अनुभाग अधिकारी रहा है, जो सिलेबस में उसके हर पृष्ठ पर उसके साइन है, सिग्नेचर है, और आज सरकार आनंद फानन में PCS की मेंस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को आयोजित करना चाहती है। निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि यह परीक्षाएं स्थगित हों।